हम खबर शामिल करेंगे जिना हाउस हमला केस। जियो फेंसिंग में 35 अहम मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिए गए। तमाम मोबाइल नंबर 9 मई को जिना हाउस से ऑपरेट होते रहे। इरफान मलिक से तफसीलात जानते हैं। इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिना हाउस पे जो 9 तारीख को अफसोसनाक वाक्य रोनुमा हुआ, उसको जलाओ भराओ का निशाना बनाया गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज करके उसकी जब तहकीकात की गई तो जियो फेंसिंग का अमल जो है इसको अब मुकम्मल किया गया है, जिसकी मदद से 35 के करीब ऐसे मोबाइल नंबर ट्रेस हुए जो जिना हाउस पे भी मौजूद थे। और जिना हाउस पे जलाओ भराओ करने के बाद यही वो लोग थे जो अफरी टावर गुलपाक में जलाओ भराओ हुआ उसको जलाया गया, वहां पे भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये लोग जमान पास चले गए थे। और इसी हवाले से आपको बताएं कि 9 मई के मोबाइल नंबरों की लोकेशन जिना हाउस और दूसरे साथ पाई गई थी, ऐसा कहना है पुलिस का। और पुलिस का कहना है कि मोबाइल नंबरों के सार्फिन का नाम है पता और मौजूद लोकेशन जो है वो ट्रैक कर दी गई है। मोबाइल साथी मुसलसल कई घंटे तक साथ एरिया के घूमते रहे थे और सार्फिन के ख्वाहिश 81 वापसगी पीटीए से जो है वो पाई जा रही है। और इसी बिना के ऊपर आज तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानब से भी ये अल्टीमेटम दिया गया था कि जमान पास में जो मुश्तबा अफराद मौजूद हैं उनको हवाले किया जाए, उन्हीं नंबर के हवाले से उनकी तहकीकत की जा रही है। और यही कहना है कानून करने वाले इदारों का भी, ये वो लोग थे जो प्रशासन की बात को जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलव्वस रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान।